मैं हूं फादमुराद, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। एक अच्छे बिजनेसमैन की और एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज अपना टॉपिक डिसीजन मेकिंग से। अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अमंग द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट सुटेड डेफिनेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इस डिसीजन मेकिंग के अंदर तीन तरह की टाइप्स होती हैं जिसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो तीनों टाइप हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन डिसीजन मेकिंग। रूटीन डिसीजन मेकिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द डेली बेसिस टास्क ऑन योर टास्क शीट। हम अपने जो डेली बेसिस के रूटीन ट्रांजेक्शन होती हैं या टास्क होते हैं उसको हम एक टास्क शीट के अंदर असाइन कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग। इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग बेसिकली इट इज़ एन IDM मॉडल विच इज़ डिज़ाइन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। IDM मॉडल में हम चार बातों का ख्याल रखते हैं कि जो हमने बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है, देन हम सर्च करते हैं अमंग द अल्टरनेटिव्स कि हमारा सबसे बेस्ट इनोवेटिव डिसीजन कौन सा है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी इवेल्यूएशन को कैटर करते हैं। इवेल्यूएशन करने के बाद हम उस प्रोसेस को अल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करते हैं जो हमें बेस्ट सूटेड लगता है। एडेप्टिव डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके अंदर हम एक नॉलेज फिल्टर लगा के देन अपना डिसीजन, फाइनल डिसीजन सेट करते हैं। ये होता है हमारा एडेप्टिव डिसीजन मेकिंग। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग की। तो हमारे कौन से 7 स्टेप्स हैं जिसको हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर फॉलो करना होता है। आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, कलेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डेवलप अल्टरनेटिव्स, देन वी विल एवेल्यूएट दोज अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट अमंग अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंट डिसीजन, देन वी हैव टू फॉलो अप एंड इवेल्यूएट इट अगेन फॉर योर बेस्ट सुटेबल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन तो अब हमने ले लिया, लेकिन हमने इस पर कुछ सेल्फ चेक भी लगाना होता है ताकि हम अपने डिसीजन को मज़ीद इवेल्यूएट करते हुए हम अपना बेस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव ढूंढ सकें। हमने एक सेल्फ चेक करना होता है, उस सेल्फ चेक के अंदर हमें 7 बातों का ख्याल रखना है। वो 7 बातें कौन सी हैं? सबसे पहले हमने इवेल्यूएशन ऑफ डिसीजन आफ्टर इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। आपने जैसे डिसीजन लिया आपने उसकी इवेल्यूएशन करनी है। आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एक्शन, आपने आइडेंटिफाई करना है सेवरल पॉसिबल पाथ्स को। देन कलेक्ट पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन फॉर बिफोर मेकिंग डिसीजन। इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव एक्शंस, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच अल्टरनेटिव जो कि मस्ट है। देन डिफाइनिंग द नेचर ऑफ डिसीजन यू नीड टू टेक, सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू इम्प्लीमेंट। डिसीजन मेकिंग के कुछ आदाब हैं जिनको हमने हमेशा ख्याल रखना होता है। वो क्या है? हमने अपने आप से खुद से कुछ सवालात करने होते हैं। आस्क योर सेल्फ, हु वुड यू इन्वॉल्व, वुड यू डेलीगेट द डिसीजन मेकिंग, वुड यू पास इट ऑन टू योर बॉस, वुड यू कंसल्ट अ कोलीग और एन आउटसाइड एक्सपर्ट, वुड यू आस्क योर टीम मेंबर्स फॉर देयर इनपुट, वॉट प्रोसेस वुड यू इन्वॉल्व, वुड यू इंसिस्ट और ऑन वॉट यू बिलीव दैट यू विल डिस्कार्ड योर्स इन फेवर ऑफ योर टीम डिसीजन। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ 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 मेरी वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लीज़ आपका कमेंट जरूर मेंशन किया करो। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में।